हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं प्राउन पुलाव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो बड़ी प्याज लेना है, उसको ऐसे स्लाइस तरीके से कट कर लेना है, दो बड़ी इलायची लेना है, दो छोटी इलायची लेना है, चार लौंग लेना है और दो तीन काली मिरी का ले लेना है। बॉल्स जो होते छोटे छोटे से, बस इतने ही स्टिक्स और सिनेमन स्टिक लेना है और तेज़पत्ता लेना है। ठीक है, तेज़पत्ता दो ले लेना है, दो से तीन, और सिनेमन स्टिक एक इंच लेना है। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स में है हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर कट करके रखा है वहाँ पे, ये देखिए ये मैंने ऊपर से डाल दिया है पत्ता, कड़ी पत्ता भी मैं ऊपर से डालूँगी बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से डाल देती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शनल है। अब ये डाला हमने इसमें 2.5 रेड चिली पाउडर, हल्का सा इसमें हम हल्दी भी ऐड करेंगे और ये पूरे मसाले को एक साथ डालेंगे जब कांदा हल्का ब्राउनिश हो जाएगा तब। अब मैंने इसमें डाले थे तेज़पत्ते, तो थोड़ी देर तेज़पत्तों को भी भुनने देना है और फिर उसके बाद ये सारे मसाले को इसमें ऐड कर देना है। अभी हमने 1/2 स्पून ऑफ हल्दी डाला है, हल्दी ज़्यादा नहीं डाला है, धनिया नहीं यूज़ किया इसमें, आपने भी धनिया नहीं यूज़ करना है। ठीक है, बाकी ये पूरा इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड किया और इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको इतना अच्छे से भुनना है ना कि मसाला जो कच्चा रहता है वो कच्चापन इसमें से चला जाए, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी सब है। ठीक है, अब ये जो मैं बना रही थी ना, ये विद लाइक मम्मी साथ में थे तो बना रही थी, अकेले जब मैं बनाती हूँ तो आई एम लाइक वेरी फ्लुएंट, किया मैंने ये डाला, ये किया, ये किया। जब मम्मी साथ होती है ना तो मैं पूछती हूँ मम्मी ये डालना है, मम्मी ये करना है, मम्मी ये करना है। ये मैंने मिर्ची और लहसुन पीसा था, तो आप देख सकते हो मिर्ची और लहसुन पीसे हुए थे ही नहीं, अखे अखे दिख रहे होंगे, तो मम्मी वही चिल्ला रही थी कि ये देखो ये तुमने पीसा है। आई वाज लाइक होता है इतना तो अभी मिर्ची और लहसुन का क्या ही टेंशन लेना है, वो तो इसमें भून जाने ना, सॉफ्ट हो ही जाना है। अब यहाँ पे बाकी के सामान मैं आपको बताती हूँ। झींगा मैंने साफ़ करके रख दिया था, क्लीन अच्छे से कर लिया था और आलू कट करके रखे थे, तो अभी हम क्या करेंगे जब मसाला अच्छा से भून जाए तब इसमें हम आलू ऐड करेंगे और फिर उसे भुनेंगे वापस से। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब स्टार्टिंग में थोड़ा आलू डाल देते हैं ना तो आलू थोड़े क्रिस्पी से और थोड़े टेस्टी से हो जाते हैं, लाइक कच्चा पर वो डायरेक्ट डालते ना तो वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, ये ऐसे डाल दोगे ना तो थोड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं तो थोड़े टेस्टी लगते हैं। अभी आलू, हाँ, और आलू डालने के बाद जब आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए ना तब आपने इसमें झींगे भी ऐड कर लेना है। झींगे भी आप ऐड करके अच्छी तरह से भुनना, क्योंकि झींगे को भी हमें तेल में भुनना होता है, डायरेक्ट पानी में नहीं ऐड करना होता है, वरना झींगे की जो अच्छी खासी खुशबू है ना वो पूरे खाने में हो जाएगी और आपसे खाया नहीं जाएगा खाना। तो पहले झींगे को यही मसाले वाले तेल में भुनना होता है कि उसकी स्मेल चली जाए, उसको वो पक जाए, ऑलमोस्ट 80% झींगा पक जाना चाहिए तब तक हमें झींगे को इसमें भुनना होता है। तो ये सिर्फ एक चीज़ रहती है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक झींगे का स्मेल ही है जो आपको खाना खाने से रोक सकता है, उसके सिवा कोई चीज़ नहीं। तो ये झींगा अभी इसमें हमने ऐड किया, धो वो के रखा था, अब इसको जैसे ऐड किया वैसे हमने इसको अच्छे से भुनेंगे, इतने अच्छे से भुनना है कि जो झींगा है ना श्रिंक होकर छोटे छोटे से हो जाए, ऑलमोस्ट 80-90% पक जाए तब तक। ठीक है, ये देख रहे हो आप, तो कढ़ाई भी छोटी लग रही होगी जब मैंने झींगे ऐड किया तो, बट अब थोड़ी टाइम बाद झींगे गायब हो जाएंगे, सब छोटे छोटे से हो जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं, तो झींगे का यही प्रॉब्लम है जब साफ करो तो इतने बड़े बड़े और फिर थोड़े टाइम बाद छोटू छोटू से। अब अच्छा खासा हम झींगा भून लेंगे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट्स तक, और ध्यान देना है नीचे ना लगे, तो बस वो ध्यान देना है मसाला और सब ऑयल अलग अलग हो चुका है। ये देखो अभी यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, झींगे कैसे सर्कल सर्कल से हो गए और छोटे छोटे से हो गए, तो अब जब झींगे छोटे छोटे से हो गए तब ये टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना राइस आपने लिया रहेगा ना उसका डबल आपने पानी लेना है और वो आपने इसमें ऐड करना है। जैसे मैंने 2.25 उतना राइस लिया था, अब मैं उसमें डालूँगी 4.5 ग्लास ऑफ वाटर, अब उतना पानी आपने ऐड करना है जितनी क्वान्टिटी ऑफ ग्लास से दिया उतना। अब इसमें मैंने कड़ी पत्ता ऊपर से डाला और कोथमीर ऊपर से डाला है
और फिर इसको अच्छे से भूना है, मिक्स किया है फॉर लाइक 15 सेकेंड्स, और फिर इसमें मैं बाकी के वाटर वगैरह ऐड करूँगी। अब ये रहा भूनने के बाद कड़ी पत्ता और कोथमीर को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, ये गया एक ग्लास, ऐसे करके 4.5 ग्लास इसमें ऐड हो जाएगा पानी। फिर पानी ऐड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ भी नहीं सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये अभी ऐड करना है हमें पानी डालने के बाद, ठीक है। फिर सॉल्ट ऐड करने के बाद हमें ढक्कन लगा के रख देना है इसको, जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक। अब इसमें ऐड हो गया सॉल्ट, अब हम इसे एक उबाल आए तक ढक कर रख देंगे, ठीक है। और जब इसमें पहला बॉइल जाना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून। ये अभी ढक के रख दिया, और चावल जो था उसको धो के रख दिया है कि जैसे उबाल आना स्टार्ट हो वैसे फट से हमें चावल डालना, तब हमें धोना नहीं है क्योंकि वो टाइम पे। तो ये फर्स्ट बॉइल जैसे आया वैसे मैंने इसमें 1/2 स्पून ऑफ गरम मसाला ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें 1/2 स्पून ऑफ गरम मसाला ऐड कर दिया, अब इसको भी थोड़ी लाइक 10 से 15 सेकेंड बॉयल होने के लिए रख दिया था मिक्स करके। उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर लिया, जब वो अच्छा खासा बॉयल स्टार्ट हुआ ना तब मैंने इसमें राइस ऐड किया। तब तक तो मैंने वेट किया कि नहीं एक अच्छा बॉयल आने दो तब मैं राइस ऐड करूँगी, तब तक तो नहीं ऐड करूँगी, बिकॉज तब डालना बेटर है रेदर देन पहले, वरना अजीब सा हो जाता है चावल चिकर चिकर सा। तो ये देखो ये प्रॉपर बॉयल जब आया तब मैंने इसमें ऐड किया राइस। फिर पूरा राइस ऐड होने के बाद आपने वेट करना है, जिस तरह से आप चावल पकने का वेट करते हो उस तरह से, बस एक दो बार जाकर देखकर अच्छे से चम्मच हिलाना है कि मसाला झींगा आलू सब चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऊपर नीचे ना रहे। बस वो एक बार दो बार आपने चम्मच हिला दिया तो हो गया, और उसके बाद लास्ट में आपने इसको सर्व करना है और खाना है। सो यहाँ पे अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि वेट करूँगी। सी मैंने ऑयल्स बहुत ज़्यादा डाला है, मुझे पसंद है, लाइक मैं जब पुलाव बिरयानी खाती हूँ ना आई लाइक दिस, ओके। तो आप चाहे तो कम कर सकते हो यूज़, बट मुझे पसंद है तो मैंने डाला है। और ये अब बॉयल होना स्टार्ट हो गए, अब ये पक कर कुछ इस तरह से लगेंगे और बहुत यम्मी लगते हैं। इसके साथ आप खोपरे की चटनी बना सकते हो, आज खोपरा पुदीना मिर्ची और कोथमीर डालकर, बट पुदीना और कोथमीर कम हो गए थे नहीं तो मैंने नहीं बनाया। या फिर आप अनियन वगैरह कट करके खा सकते हो, बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। सो इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट नाउ बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और किस लोगों को जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसे सुने।